नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं ऊपर वाला इंसान को सारे रिश्ते नाते खुद ही देकर भेजता है। एक दोस्त का रिश्ता ही ऐसा है जो इंसान खुद चुनता है और खुद ही बनाता है। लेकिन राजधानी दिल्ली में एक दोस्त ने अपने ही 20 साल पुराने दोस्त को दोस्ती का ऐसा सिला दिया कि सुनकर लोग हैरान रह गए। एक बड़ी टेलीविजन कंपनी के मालिक की जान खुद उसी के दोस्त ने 3 करोड़ रुपए के लिए ले ली और प्लानिंग भी ऐसी रची कि पुलिस को इस साजिश को डिकोड करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लग गया। दिल्ली में टीवी कंपनी के मालिक की हत्या। जिंदगी देने वाला डॉक्टर ही निकला कातिल। 20 साल की दोस्ती पर भारी पड़े 3 करोड़ रुपए। दोस्त ने दोस्त को पैसों के लिए मार डाला। कत्ल के लिए दे डाली 50 लाख रुपए की सुपारी। कत्ल के बाद सबूत के तौर पर भेजी लाश की तस्वीर। गुमराह करने के लिए बदला स्कॉर्पियो का नंबर। दिल्ली के दो दोस्तों का खूनी दोस्ताना। 15 नवंबर 2019 सुबह 9 बजे। 80 के दशक की मशहूर टेलीविजन बनाने वाली कंपनी टेलीविस्टा के मालिक और प्रॉपर्टी के धुरंधर कारोबारी अरुण कुमार शर्मा अपने घर से बाहर निकले। आमतौर पर वो अपनी कार में ही कहीं आते जाते थे, मगर चूंकि इस रोज उन्हें अपने घर से दूर गुरुग्राम में अपने वकील से मिलने जाना था, उन्होंने कार की जगह मेट्रो से ही जाने का फैसला किया। मगर घर से निकलकर मेट्रो स्टेशन तक की मामूली दूरी पैदल ही तय करने के दौरान अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अरुण कुमार अपने घर से मेट्रो स्टेशन के बीच चंद मीटर के फासले में ही बेहद रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गए। वो कहां गए, किससे मिले और कैसे गायब हुए, ये कोई नहीं जानता था। ऊपर से दिक्कत ये थी कि उनका मोबाइल फोन भी 9:20 होते होते हैरानी भरे तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था, जबकि वो घर से अपना मोबाइल फोन पूरी तरह चार्ज करके निकले थे। शुरुआती कुछ घंटों में तो उनके घर वालों को भी अरुण कुमार शर्मा के यूं गायब हो जाने का कोई गुमान नहीं था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जब न तो उनका कोई फोन आया और न ही वो घर लौटे, तो घर वालों को फिक्र होने लगी। अब उन्होंने रह रहकर अरुण कुमार शर्मा को फोन करना शुरू किया, मगर सारी कोशिशें बेकार गई। चूंकि वो गुरुग्राम में अपने वकील से मिलने वाले थे, घर वालों ने उन्हें भी फोन किया, मगर उनकी हैरानी का तब कोई पारावार नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि वो तो अपने वकील से मिलने ही नहीं पहुंचे। दरअसल उस दिन भी अरुण अपने घर वालों को ये बताकर गए थे कि वो गुरुग्राम जा रहे हैं, जो अक्सर वो किया करते थे। लेकिन जब देर शाम तक उनसे संपर्क नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अरुण के घर वालों को शक हुआ। वो परेशान हुए क्योंकि उनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। ऐसे में उनको शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका किडनैप हो गया हो। ये सवाल घर वालों के जहन में इसलिए भी कौंध रहे थे क्योंकि अरुण कुमार की हाल के दिनों में अपने 20 साल से भी ज्यादा पुराने दोस्त डॉक्टर ऋषि राजपाल सिंह चौहान से 36 का आंकड़ा चल रहा था, और दोस्ती में इस दरार की वजह भी वही थी जिसके सिलसिले में वो अपने वकील से मिलने जा रहे थे। तो क्या उनकी गुमशुदगी से दोस्त से दुश्मन बने डॉक्टर ऋषि राजपाल सिंह चौहान का ही कोई लेना देना था? सवाल तो कई थे, मगर जवाब किसी के पास नहीं था।
घर वाले सीधे सीधे डॉक्टर ऋषि राजपाल सिंह चौहान पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे, लिहाजा उन्होंने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया और अगले चंद घंटों में पुलिस अरुण कुमार शर्मा की गुमशुदगी की जांच कर रही थी। चूंकि ये मामला एक बुजुर्ग और अमीर कारोबारी की रहस्यमयी गुमशुदगी का था, जिसमें दुश्मनी का एंगल भी शामिल था, दिल्ली पुलिस ने बगैर देर किए मामले की जांच अपनी स्पेशलाइज्ड यूनिट क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी। फिर तो जब जांच आगे बढ़ी और इस बुजुर्ग कारोबारी की गुमशुदगी का राज खुला, तो सिर्फ उनके घर वाले और उन्हें जानने वाले ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली हैरान रह गई। अरुण कुमार शर्मा का कत्ल हो चुका था। चिराग कोठी, दिल्ली, आज तक। अब सवाल यह था कि आखिर अरुण कुमार अचानक कहां गायब हो गए और उनका फोन लगातार बंद क्यों आ रहा था। इसका जवाब ढूंढने में पुलिस को करीब 1.5 महीने लग गए। पता चला कि 15 नवंबर की उस सुबह अरुण मेट्रो से गुरुग्राम जाने के लिए निकले तो जरूर, मगर मेट्रो में चढ़े ही नहीं, बल्कि उससे पहले ही उन्हें अगवा कर लिया गया। गुमशुदगी के इस मामले की जांच पुलिस ने उनके घर से ही शुरू की। सबसे पहले क्राइम ब्रांच ने 64 साल के अरुण कुमार शर्मा के घर वालों से तफसील से पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी किस किस से दोस्ती और दुश्मनी है। इस कड़ी में जल्द ही दोस्त से दुश्मन बने उन्हीं की उम्र के डॉक्टर ऋषि राजपाल सिंह चौहान का नाम पुलिस की रडार पर आया, क्योंकि इनमें करीब 3 करोड़ रुपए की रकम वाले जमीन के एक टुकड़े को लेकर कानूनी जंग चल रही थी और इस जंग में अरुण कुमार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में जीत मिली थी। तफ्तीश के सिलसिले में ही पुलिस ने अरुण कुमार के मोबाइल फोन की भी जांच की, जो उनके घर से निकलने के महज 20 मिनट के बाद ही स्विच ऑफ हो चुका था। और अगर वो पैदल ही मेट्रो स्टेशन के लिए निकले थे तो बहुत ज्यादा गुंजाइश इस बात की थी कि उनके मेट्रो में सवार होने से पहले ही उनका फोन ऑफ हुआ होगा। मगर पुलिस ने तसल्ली और तस्दीक के लिए कैलाश कॉलोनी से लेकर गुरुग्राम तक के कई मेट्रो स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल डाली कि कहीं अरुण कुमार बीच रास्ते में ही तो नहीं उतर गए। लेकिन छानबीन से यह भी साफ हो गया कि वो मेट्रो में चढ़े ही नहीं। अब पुलिस की सारी जांच उनके घर से मेट्रो स्टेशन के दरमियान सिमट गई और जब पुलिस ने इस फासले की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसे कुछ संदिग्ध चेहरे नजर आए। इन चेहरों के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि इस गाड़ी पर जो नंबर था उस नंबर की कोई स्कॉर्पियो रजिस्टर ही नहीं थी। यानी स्कॉर्पियो में जो भी थे उन्होंने जानबूझकर अपनी गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी और ये किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। दरअसल जांच में ये बात अब सामने आ चुकी थी कि अरुण कुमार की दुश्मनी डॉक्टर चौहान से थी, लिहाजा पुलिस ने बिना समय गवाए डॉक्टर चौहान से पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ की तो डॉक्टर चौहान ने सारे राज खोल दिए। उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने ही अरुण कुमार की बेरहमी से हत्या करवाई है और इसमें उनका साथ दिया था हर्ष ने। दरअसल हर्ष डॉक्टर चौहान का दोस्त था और डॉक्टर चौहान ने इसके लिए बाकायदा 50 लाख रुपए सुपारी के तौर पर दिए थे और ये कहा था कि लाश को इस तरह से ठिकाने लगाया जाए ताकि कोई ढूंढ ही ना पाए। लेकिन हुआ उल्टा। चौहान और उसके बेटे हितेश ने ये पूरी साजिश रची थी और इन्हीं दोनों ने हर्ष छाबड़ा को सुपारी दी थी। छाबड़ा ने अपने बेटे अमित छाबड़ा को अरुण कुमार के कत्ल का काम सौंपा था और अमित ने अपने एक रिश्तेदार प्रियांक खन्ना और पुराने नौकर साहिल को इस काम के लिए राजी कर लिया
और इन्हीं 6 लोगों ने मिलकर 15 नवंबर को अरुण कुमार शर्मा का कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के लिए ऐसी भयानक तैयारी की जिसके बारे में सुनकर पुलिस वालों का भी दिमाग घूम गया। काम को अंजाम देने वाले तीनों कातिल अमित, प्रियांक और साहिल ने चौहान के बेटे हितेश के साथ मिलकर कई बार अरुण कुमार के घर और दफ्तर की तसल्ली से रेकी की। कई कई दिनों तक उसका पीछा करते रहे। अब कातिलों को यह अच्छी तरह पता चल चुका था कि वो कब, कहां और कैसे आते जाते हैं। चौहान को यह भी पता था कि जिस जमीन के झगड़े में अरुण को उससे जीत मिली है, उसी कानूनी लड़ाई के सिलसिले में वो 15 नवंबर को अपने वकील से मिलने जाने वाला है। और बस चौहान ने इसी दिन अपने दोस्त के कत्ल की तारीख मुकर्रर कर दी और मौत के परवाने पर मुहर लगा दिया। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। अब तफ्तीश का अगला पड़ाव यह था कि आखिर किडनैपिंग के बाद अरुण शर्मा के साथ हुआ क्या, उन्हें मारा गया तो कैसे, और फिर उनकी लाश को कहां ठिकाने लगाया गया। और तो और, उन किराए के कातिलों ने उनकी लाश की फोटो खींचकर किसी को क्यों भेजी। कैलाश कॉलोनी, दिल्ली, 15 नवंबर 2019, सुबह 9 बजे। मौत घर के बाहर अरुण कुमार का इंतजार कर रही थी और वो इस बात से बेखबर गुरुग्राम के लिए निकल गए। लेकिन अभी वो पैदल ही मेट्रो स्टेशन तक पहुंचते, इसी बीच एक स्कॉर्पियो में बैठे लोगों ने उन्हें अंदर खींच लिया और शॉल से ऐसे गला घोटा कि चंद सेकेंड्स के अंदर ही उनकी जान चली गई। इस स्कॉर्पियो में अमित, प्रियांक और साहिल थे। चलती स्कॉर्पियो में दिल्ली के एक अमीर कारोबारी का कत्ल हो चुका था। अब कातिलों को अपने आका यानी चौहान बाप बेटे को काम पूरा हो जाने का सबूत देना था। सबूत दिया भी गया। तीनों ने लाश की तस्वीर खींचकर चौहान के बेटे हितेश को भेजी। चलती स्कॉर्पियो में दिल्ली के एक अमीर आदमी का कत्ल हो चुका था और बाकायदा अब सबूत देना बाकी था, और ये सबूत देना था आरोपियों को। दरअसल बाप बेटा यानी चौहान और उसका बेटा हितेश बार बार सबूत देने की बात कह रहे थे। आरोपी ने बाकायदा तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप भी की, लेकिन हितेश को यानी चौहान के बेटे को तसल्ली नहीं हुई। उसने आरोपियों को कहा कि वो गुरुग्राम पहुंचे ताकि वो लाश देख सके। इसके बाद आरोपी गुरुग्राम पहुंचे और उसके बाद हितेश को लाश दिखाई गई, जिसके बाद हितेश ने उन्हें ये आदेश दिया कि वो यूपी के किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पर लाश को ठिकाने लगाए ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और ठीक आरोपी ने किया भी वैसा ही। अब सिर्फ एक चीज रह गई थी, वो ये कि जो रकम थी वो दी जानी बाकी थी। लेकिन इससे पहले कि मौत की रकम चुकाई जाती, पुरानी दुश्मनी, मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, स्कॉर्पियो का फर्जी नंबर प्लेट और ऐसी ही तमाम दूसरी चीजों ने इस खूनी दोस्ताने का राज फाश कर दिया। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।